भारतीय सुरक्षा संहिता के तहत आज देश में नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिसको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस जगह जगह कार्यशाला का आयोजन कर रही है। पड़ासिया में आज नए आपराधिक कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नया भारत, नया विधान और नवीन आपराधिक कानून पर चर्चा की गई। न्यायाधीश समेत पुलिस ने स्कूल के विद्यार्थियों को इस नए कानून के बारे में जानकारी दी। आज से नई धाराएं लागू होने के साथ ही मेहर में भी पुलिस ने आपराधिक कानून की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की, साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर नए कानून के प्रावधान और सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। सभी ने यह जाना कि पुराने कानून की जगह ये जो तीन नए कानून लागू हुए हैं उससे न्याय मिलने में बहुत सुविधा होगी और ख़ास तौर से एक स्पष्ट न्याय की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं उससे हमें सुगम न्याय मिलने में और न्याय मिलने में जो देर हुआ करती थी या बीच में कुछ दूसरे प्रकार की जो कहना चाहिए दिक्कतें आती थी उनसे हमें मुक्ति मिल पाएगी। आज 1 जुलाई 2024 से नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों मेजर क्रिमिनल एक्ट्स के लागू होने के संबंध में लोगों को जागरूक करने और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मुख्यालय के निर्देशानुसार थाना मैहर कैंपस में ये जिला स्तरीय जागरूकता शिविर और कम इंटरेक्शन शिविर आयोजित किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कानूनों में संशोधन नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इन तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया, यानी निरस्त कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। इसी क्रम में अमरपाटन में भी SDOP कार्यालय पर सेमिनार आयोजित कर अपर सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने नागरिकों को नए कानून के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।